विश्व जनसंख्या दिवस एक वैश्विक त्यौहार है जो विश्व के हर लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 11 जुलाई 1989 में यूनाइटेड नेशंस यूएन द्वारा की गई है। 11 जुलाई 1989 को दुनिया की आबादी 5 अरब होने पर लोगों के बीच जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की नींव रखी गई है। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाई जाने का सुझाव केसी झाकरिया ने दिया था, जो उस समय विश्व बैंक में कार्यरत थे। लगातार अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से किसी भी देश के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, भूखमरी, आर्थिक असमानता, जेंडर असमानता आदि समस्याएं भी बढ़ सकती है। अभी विश्व की आबादी 7.8 बिलियन है। विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश चीन प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में प्रति मिनट 25 बच्चे पैदा होते हैं। अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो 2030 तक भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर जनसंख्या में नियंत्रण नहीं हुआ तो बहुत जल्द कुदरती संसाधनों की भी कमी हो जाएगी। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, रहने का अच्छा स्थान, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर 2021 का थीम आपदा में ही परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी है।